मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है डे थर्ड हम लोगों का पुरी में। और अभी हम लोगों का प्लानिंग था कि 6:45 बजे सनराइज देखने जाने का, क्योंकि टाइमिंग था। लेकिन जब हम लोग उठ के तैयार हो गए, उसके बाद फिर हम लोगों ने जब खिड़की खोला तो पता चला कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और अभी हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो थोड़ा सा मन खराब हो गया। अब हम लोग बिस्किट निकाल रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि सबका ब्रश वगैरह तो हो गया है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बारिश तेज हो रही है। बस मना रहे हैं कि बारिश छूट जाए तो थोड़ी देर हम लोग बीच में जाके घूमें, लेकिन देखते हैं क्या करना है। क्योंकि 7 बजे तक हम लोगों का प्लानिंग था कि थोड़ा सा तैयार होके और जो एक दो मंदिर छूटे हैं यहाँ पे, वो जगह भी हम लोग देख लें यहाँ। लेकिन पता नहीं कितना पॉसिबल हो पाएगा, अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, और अगर छूट जाती है बारिश तो हम लोग थोड़ा देर के लिए बीच में जाएंगे, क्योंकि दिन में वैसे बीच हम लोगों ने नहीं देखा। कल भी हम लोग गए थे तो शाम हो गई थी, थोड़ा थोड़ा ही उजाला था, तो थोड़ा सा मन था कि नहीं दिन में हम लोग बीच घूमें। अगर बारिश रुक जाती है तो हम लोग बीच ही जाएंगे पहले, क्योंकि बीच देखेंगे, उसके बाद फिर अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि आज ही हम लोग को निकलना है। 11 बजे हमारी ट्रेन है, तो बस वेट ही कर रहे हैं, तैयार होकर बैठे हैं। मेरा एरिया और इधर उधर कपड़े फैले हुए हैं, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मेरा स्टेशन रोहित यहाँ पे लेट के अपना मोबाइल चला रहा है, बस यही सब हो रहा है, और तेज हो रही है बारिश। हाँ, और अभी सनराइज हो चुका है और धूप निकलने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है। और हम अभी पहुंच चुके हैं बीच में, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ समंदर। सैन आर्ट बनाया गया है और आप देख सकते हैं इतने लहरों के बीच एक बोट हमें दिखाई दे रही है, और बहुत हिम्मत चाहिए वहां जाने के लिए। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े लहरों के बीच। और सुबह का टाइम है तो हम लोग पी रहे हैं लेमन टी, और यहाँ का लेमन टी बहुत टेस्टी लगा, सबको बहुत पसंद आया। हमने कल शाम में भी पी थी और अभी भी हम लोग पी रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं पूरी में समंदर किनारे, तो लेमन टी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ का लेमन टी बहुत ही टेस्टी होता है। ये क्या मेन्यू? और अभी पी रहे हैं नारियल पानी। रिया हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, ये है मसाला डोसा। रिया मेरा और रोहित के लिए भी अभी आएगा। किशन पूरी खा रहे हैं ना, पूरी खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग होटल से निकल चुके हैं सारा अपना लगेज लेके। अभी एक दो मंदिर दर्शन करेंगे, उनके मासी घर और पिसी घर जगन्नाथ स्वामी के, और उसके बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे स्टेशन, क्योंकि आज ही हमारा ट्रेन है। हम लोग दर्शन करने तो पहुंचे, बट जगन्नाथ स्वामी जी के मासी बाड़ी और पिसी बाड़ी दोनों ही मंदिर बंद थे,
कोविड की वजह से वो अभी नहीं खुला हुआ था, तो हम लोग बस बाहर से प्रणाम किए दोनों ही मंदिरों में और फिर हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए। और मासीबाड़ी और पिसीबाड़ी दोनों ही मंदिर बंद थे, आप देख सकते हैं मेन गेट बंद है, तो कोविड के ये मंदिरें बंद हैं तो हम लोग नहीं अंदर जा पाए, बट बाहर से दोनों ही मंदिरों को प्रणाम किया और हम लोग निकल रहे हैं। और हमारे ट्रेन का देखते देखते वक्त हो गया और हम लोग अब निकल रहे हैं पुरी से, बहुत अच्छी और प्यारी यादों के साथ। बहुत मज़ा आया इस पुरी के ट्रिप में और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, तो बस फिर आऊँगी इसी उम्मीद के साथ। हम लोग निकल रहे हैं, तो हम लोग तीनों जन जा रहे हैं, किशन, रिया और मैं, और रोहित रहेगा घर पे। चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। और घर आने के बाद फिर घर के कामों में लग गई मैं। रिया का आई चेकअप करवाना था क्योंकि रिया बहुत कम टाइम के लिए आई है, तो हम लोग आए हुए हैं रिया के आई चेकअप के लिए। और कोजागरी लक्की पूजा है आज, तो हम लोग गए हुए हैं, मेरे घर के बगल में ही लक्की पूजा हो रहा था, तो हम लोग दर्शन करने के लिए चले गए मैं, रिया और किशन आई चेकअप के बाद। रोहित तो घर पे ही था, तो पूजा हो रहा था तो हम लोग चले गए प्रणाम करने वहाँ पे। और माँ को यहाँ पे सिंदूर लगाया जा रहा है। और अभी मिला है लक्ष्मी पूजा का प्रसाद, इसमें है बूंदिया फल और ये है खिचड़ी। ये मेन प्रसाद होता है लक्ष्मी पूजा में, खिचड़ी जरूर चढ़ता है। और गई थी रिया के आई चेकअप के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, लक्ष्मी पूजा भी हुआ है तो हम लोग दर्शन करने के लिए वहाँ चले गए थे। आज भी मिल गया, बिल्कुल सही टाइम पे हम लोग गए थे, पूजा जस्ट खत्म ही हुई थी, जब थोड़ा सा पूजा बाकी था उस टाइम हम लोग पहुंचे और बहुत अच्छा लगा, दर्शन हो गए माँ के। और शरद पूर्णिमा में मैं हर साल खीर बनाती हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया है, तो अभी बना रही हूँ खीर। हम लोगों का डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो बस खीर बनाने के लिए लगी हूँ। ये बाहर रखूँगी शीत में, उसके बाद फिर हम लोग का काम ख़त्म होगा। और इधर पानी गर्म होने के लिए डाला है, गर्म पानी रखती हूँ पीने के लिए। आप लोगों में से कौन कौन खीर बनाते हैं शरद पूर्णिमा में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरी खीर बन चुकी है और मैंने बाहर रख दिया है और बस सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल सुबह रोहित का स्कूल है तो सुबह सुबह उठना है। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।